राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिल्ली के दौरे पर गए, जहां वे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा करेंगे। वहीं आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा की संख्या के मद्देनजर कुल 30 मंत्री ही राजस्थान में बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 27 मंत्री और शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है कि कुछ मंत्री पद सरकार में रिक्त भी रखे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में जो विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं उनके नाम अगर चर्चा करें तो सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालकनाथ, सिद्धि कुमारी, दीप्ति किरण माहेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, कैलाश वर्मा, जोगेश्वर गर्ग, महंत प्रतापपुरी, अजय सिंह किलक, भैरवराम सियोल, संजय शर्मा, श्रीचंद कृपलानी, झांबर सिंह खर्रा, प्रताप सिंह सिंघवी, हीरालाल नगर, फूल सिंह मीणा, शैलेश सिंह, जितेंद्र गोटवाल खंडार, शत्रुघ्न गौतम, जवाहर सिंह बेडम, मंजू बागवा, सुमित गोदारा, ताराचंद जैन, हेमंत मीणा, हंसराज पटेल और जेठानंद व्यास हैं। केंद्रीय नेतृत्व युवा और अनुभवी विधायकों के नेतृत्व को तरजीह देगा। ऐसे में कुल 11 से 15 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना है, जबकि बाकी मंत्रियों को राज्य के मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा। इससे पहले 15 दिसंबर को सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया और साथ ही साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने शपथ ली थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीनों को उनके पदों की शपथ दिलाई थी। जानकारी दिला दें कि 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जीती थी और करीब यहाँ पर जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल करी थी उसके बाद वसुंधरा राजे को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी। लेकिन अब जातीय जनगणना को तवज्जो देने को लेकर भी चर्चा है कि जातीय जनगणना को लेकर किस तरीके से तवज्जो दी जाएगी। जानकारी दे दें कि राजस्थान कार्मिक विभाग और GPR यानी गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग जैसे कई सारे विभाग हैं, तो ऐसे में इन सब पर नज़र रहेगी। भाजपा में SC समाज से सबसे ज़्यादा 23 विधायक हैं, राजपूत समाज से 17, ST से 16, ब्राह्मण से 12, जाट से 12, वैश्य से 8, गुर्जर से 5, रावत, नागर, धाकड़, कालवी और पटेल समाज से 3-3 विधायक हैं। इसी तरह अन्य समाजों से 2-2 और एक-एक विधायक हैं। भाजपा ने ब्राह्मण समाज से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी पकड़ पहले ही मजबूत कर ली है। इसी तरह राजपूत और दलित समाज से डिप्टी CM बनाकर बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या इनकी रणनीति रहती है और इससे ये भी तय होगा कि वसुंधरा राजे के खास रहे नेताओं को किस तरीके से आगे तरजीह दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाकर पहले ही उनके समर्थकों को नाराज कर दिया, ऊपर से कैबिनेट में जगह ना देकर और नाराजगी बढ़ाई जा सकती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।